सर ये करिकुलम के हवाले से हमने कुछ चेंजेस लाए करिकुलम में, क्योंकि हम चाह रहे थे कि हमारा जो करिकुलम हो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ना भी हो तो हम कम से कम उसको प्लूरल इंक्लूसिव हम जो है उसको बनाए, जितनी हमारी एफर्ट थी कोशिश थी। इसलिए जो नेशनल करिकुलम सिंगल नेशनल करिकुलम था उस पर हमारा एतराज भी यही था, हम तो उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे थे, हमारा एतराज उस पर यह था कि उसमें आप जो है चंद चीजों को छोड़ के साइंस इंग्लिश और मैथ्स जो है और कंप्यूटर साइंस चार सब्जेक्ट पे हम इत्तफाक कर सकते हैं, इत्तफाक हो सकता है, बाकी लैंग्वेज का और सोशल स्टडीज का जो राइट है वो सूबों को दिया जाए कि वो अपने अपने पस मंजर में और अपने अपने तारीखी और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अपना करिकुलम डिजाइन करे। तो इसी पे एतराज था हमारा और दूसरा कोई नहीं था, कोई झगड़ा हमारा नहीं था उनके साथ। तो उस हवाले से हमने कोशिश की कि बेहतर करें और अल्हम्दुलिल्लाह जो करिकुलम इस वक्त इनका जो अभी पब्लिश होने जा रहा है, यूनेस्को ने अभी रिपोर्ट दी है, यूनेस्को ने पूरा चार दिन का वर्कशॉप किया, उस पर उसको रिव्यू किया, उसने मार्केट से उन्होंने जो इंटेलेक्चुअल थे या जो एक्सपर्ट्स थे करिकुलम के उनको बुलाया और उनके थ्रू असेस करवा के उन्होंने कहा कि बाकी सूबों से हमारा जो अभी करिकुलम है वो बहुत बेहतर है, टेक्स्ट बुक काफी एडवांस है और वो इंक्लूसिव है, प्लूरल है, उसमें रिलीजियोसिटी जो थिक की गई थी साइंस के सब्जेक्ट में और दूसरों में हर चीज में उसको कम करके, क्योंकि मजहब अलग चीज है, रिलीजियोसिटी इज अ डिफरेंट थिंग, उसको साइंस से सेपरेट करने की जरूरत है, तो वो हमने उसमें इनकॉर्पोरेट किया है। और लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन जो है वो करिकुलम का पार्ट है हमारा, ये हम सिंध ने पहले लीड ली थी उसमें हमने शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात सर, हमारे यहाँ सबसे ज्यादती होती थी जो हमारे मिनार्टी तो नहीं कहे मगर नॉन मुस्लिम पाकिस्तानी जिसको हम कहे उनके साथ ये थी कि उनको हम एथिक्स के नाम पर पढ़ाते थे, हम इस्लामियात पढ़ते थे उनको इखलाकियात पढ़ाते थे कि आप इखलाकियात पढ़े, ये उनकी एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी वायलेशन थी और इंटरफेथ हारमोनी के हवाले से भी एक बहुत बड़ी कदगन थी हमारे नसाब के ऊपर। हमने वो उसको चेंज करके रिलीजियस स्टडीज और रिलीजियस एजुकेशन के सब्जेक्ट मुतारफ कराए, अब हिंदुइज्म के भी इसमें शामिल होंगे, कल ये दिवाली और होली पे भी इनको राइट है कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन इनको मिलेगी, क्रिश्चियंस को क्रिश्चियनिटी पे नॉलेज मिलेगा और ये सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट की है अपने करिकुलम में।